वो इश्क है मेरे लिए कि इश्क इतना बेसिक होता है, इतना आसान होता है, इट्स लाइक एन ऑरेंज कैंडी. तो वो प्यार के लिए आप मर्सिडीज में हो सकते हैं, आप बाइक पे हो सकते हैं, बाइसिकल पे हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, बाकी और कुछ चाहिए नहीं. और इसीलिए वो धीरे धीरे सबके हाथ से वो गायब हो जाता है और अंत में सिर्फ दोनों बच्चों के पास रह जाता है. ये मेरा आइडिया था, मुझे लगा किसी को नोटिस नहीं होगा, लेकिन हो गया सर. अनलेस यू, मेरा अपना पर्सनल किंक था. पावेल, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस. पावेल का टेंशन ये कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. अब दिस इज लाइक वेल, ही इज बीन अराउंड, यू हैव बीन अराउंड फॉर लाइक 10 इयर्स. आई हैव सीन यू फॉर 10 इयर्स. इट्स लाइक योर फर्स्ट out there. Yes. So how are you feeling nervous? Are you feeling nervous? Do you think that people will look at you as a bad guy or a good guy? Are you getting into that? Are you just proud of being part of this film that's so important? I am. What are you going through? So all of that combined. but meri shaadi nahi ho rahi. Nahi ho jayegi end mein. Last year mere din. Not that much. Anyways, obviously I'm super proud of this film. एक तो वो होता है ना कि starting में आपके पास ज़्यादा choices नहीं होती film करने के लिए. So this film became like compulsory to me that I had to do it. And I'm glad that it was compulsory because अगर choice होती तो शायद मैं कोई stupid decision लेके अगर ना करता तो that would have been really really stupid. And yeah. So I think I'm really really glad that this was my first, which I could use my brain and just got it. So, coming back to it, where to go from here? सीन बताना है. वो जो सीन है ना, जब ये उसको तापसी को लेने के लिए जाता है, घर जाता है उसके, तो उसको समझा रहा है कि मैंने कुछ मांगा, मैंने कुछ शर्त रखी. अमृता फूडी हूँ मैं, फूडी. तो वो इतनी फनी लाइन है और इतनी गंदी लाइन है. And when I wrote that line, तो I was so proud of it. कि how ridiculous can you get? And he was like, he बोला, जब भी मैं वो लाइन बोलता मुझे हंसी आती है. वो भी हंस रही थी. हाँ. जैसे मैं उसको बोलता था वो ऐसे स्माइल कर रही होती थी. हम वो फूडी हूँ मैं, फूडी. हाँ सॉरी, तू क्या पूछ रहा है? नहीं नहीं, मैं अभी आई वांट टू गो टू द ऑडियंस. आई वांट टू ओपन अप टू द ऑडियंस. कैन आई गेट वन मोर माइक? या वी हैव अ माइक. देन वन पर्सन शुड गो दैट साइड. या फ्रॉम द ऑडियंस आई कैन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट द फिल्म? किसी को कुछ भी पूछना? राइट देयर. तापसी जी, आप के लेफ्ट में. हाँ अरुण, तुम्हें जरूर क्वेश्चन होता है जोर की. हाँ, क्योंकि फिल्म देखी मैंने, इसलिए. जैसा कि सर ने भी आपसे पूछा कि इस फिल्म में आपके वो घुंघरालू बाल हमने मिस किया, और आपने बताया घुंघरालू नहीं, घुंघराले. हाँ, घुंघराले. और हमने देखा कि ढेरों सारी आप अपनी फिल्मों में आप ढेरों सारी से फाइट करती हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट को मार के गिरा देती हैं. तो और क्या क्या मिस किया आपने इस अपनी फिल्मों में? मार के गिराने के अलावा मैंने, और घुंघराले बालों के अलावा मैंने क्या मिस किया? इस फिल्म ने जो मुझे दिया है ना, वो मुझे बहुत सारी फिल्में नहीं दे सकती. और आई होप फ्राइडे के बाद भी मैं ये बात कहूँ. सो आई डोंट थिंक आई मिस एनीथिंग. बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, आप अभी तक एनजी होती है, अभी आप एक्ट्रेस होगी, कैसा लगता है? मैं एनजी होती. अनुभव भाई, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. हियर हियर, अरे इधर सामने. जब उसको थप्पड़ पड़ता है और जिस तरह से उसका पूरा एग्जिट है बेडरूम तक, वो यूं लगता है कि वो द्रौपदी का चीरहरण हो गया. ऊपर हो के सभा में ये सीन कैसे डेवलप हुआ? क्या उस सीन के का बताना चाहिए? माय गॉड, नहीं पता. जैसे वो सिंगल शॉट जो है, जब वहां से चल के जाती है, वो मुझे रात को वहां उस घर में, हम लोग 11 दिन शूट कर रहे थे. सो वो सिंगल शॉट करेंगे, वो ख्याल एक रात को आया था. तो सुबह सुबह मैंने फिर शौमिक को, शौमिक है क्या इधर? नहीं, मैं अपना जो डीओपी है उसको मैंने बोला कि स्टडी कैम है ना अपने पास? हाँ. तो मैंने कहा वो एक सिंगल शॉट करते हैं, एंड देन द होल कोरियोग्राफी ऑफ पीपल बिहाइंड हर, स्टार्टिंग विद द सिस्टर इन लॉ, देन द फादर, मदर, दिया, ऑल ऑफ दिस. मैं एक्चुअली बहुत इसमें ना एक ही फैसला किया था कि ईमानदारी से बनाऊंगा, जो दिल कहेगा ना वो कर. तो वो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स ये दे रहा है, वो सब एक्चुअली शायद इस वजह से आए कि उसमें शान पत्ती नहीं करे. एक और चीज़ है, मैं देखा, मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन,
बारिंग द सीक्वेंस जब भाई जो है बहन से बात कर रहा है कि उसके साथ सॉर्ट आउट करो, उस सीक्वेंस के अलावा रेस्ट ऑफ द फिल्म में ओटीएस शॉट नहीं, उस एक सीक्वेंस में है बस। यहाँ तो वैसे भी टेक्निकल लोग हैं ना, तो सेकेंड डे ऑफ द शूटिंग आई फिगर्ड कि ये पिक्चर नहीं, उसके दो तीन दिन में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये बहुत डेंजरस पिक्चर है, वर्बोस है और लोग सामने बैठ जाएंगे और बातें करेंगे और फिर ओवर शोल्डर लगेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगी फिल्म। तो ये सेकेंड और थर्ड डे मैंने अपने लिए रूल बनाया कि मैं ओवर द शोल्डर शूट नहीं करूँगा। दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रूम टू क्रिएट न्यू स्टेजिंग। I want to remind you of that scene when the first scene after the interval, जिसमें तापसी उसका भाई और उसकी उसकी girlfriend, उसकी fiance, तो ऐसा हुआ मैंने कहा तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो अचानक तापसी बोली कि मैं तो रुकूंगी नहीं इस कमरे में, तो उस कमरे में चली जाऊँगी। तो हाँ तो मैंने कहा तो चली जा, तो वो चली गई। मैंने कहा तो कब कहाँ जाएगी, तो बोली मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँगी। मैंने कहा खड़ी हो जा। So suddenly, you know, the whole movement of characters became very interesting because I just let them be, and I think that's the cleverest thing I did, to not be clever. I just went, they were emoting and I was covering it actually. जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ। नमस्कार, रेखा खान नवभारत टाइम से। अब खड़े हो जाएं। अब इसकी शक्ल मुझे दिख रही है, आप नहीं दिख रही। मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। तापसी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप जानती हैं मैं आपको थैंक्स क्यों कह रही हूँ। अनुभव जी आपको भी, आप सभी को शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो स्टेटस जो है, जो फैक्ट्स हैं, वो इस तरह से हैं कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा जो है वो इस तरह की महिलाएँ इन चीज़ों से गुजरती हैं। एक थप्पड़ तो बहुत ही मामूली बात है और इसमें मतलब पहली बार इस चीज़ को एक एड्रेस किया गया है। तो तापसी मैं ये सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी और अनुभव जी आपसे भी कि ये किस तरह से औरतों को हेल्प करेगी, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी या उसको एड्रेस करना शुरू करेंगी या उसका विरोध करेंगी, क्योंकि जैसे फिल्म में भी है माएँ और सास या इस तरह से वही हमारी कंडीशनिंग है, उसी तरह से हमें सिखाया जाता है ना कि जिम्मेदारी हमारी ही है, हम ही औरतें हैं जिन्होंने अपने कहते ना नाजुक कंधों पे घर को बचाने का एक भार उठा के रखा है। तो कैसे ये, क्योंकि बाद में तो जो हमारा नायक है वो कहीं ना कहीं प्यार में एक थोड़ा सा आकर के एक अपने गलती को मानता है, तो बहुत असल में बहुत सारे सवाल मेरे जहन में, लेकिन मैं वो उसको एक में ही कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि कैसे ये हेल्प करेगी, किस तरह से मतलब महिलाओं को इससे हेल्प होगी। अनुभव जी आप अगर पहले जवाब दें तो। मैं आपको एक बात करना, मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी जी, और ये फिल्म मैंने पहली बार दिसंबर में देखी थी। हाँ। और कई बार होता है ना, आप अपने आप को समझते हो कि आप बहुत ही, आप बाकी जैसे नहीं हो जी, आप जो है काफी लिबरल हो, आप जो है ऐसे हो वैसे हो, आप जो है बहुत खुले दिमाग हो, आप जो है इक्वालिटी ना सिर्फ बिलीव करते हो प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी हो जाओ, ये फिल्म ना आपको एंटाइटल फील करती है। आपको दिखता है फिल्म को देखने के बाद, मुझे पहली बार लगा कुछ भी हो मैं अभी भी एंटाइटल। ये फिल्म देखने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म इसलिए नहीं है कि औरतें कहते हैं, ये फिल्म आदमियों के लिए भी उतनी है कि देखने के लिए कि तुम कुछ भी समझ लो अपने आप को, तुम्हारे अंदर की जो पेट्रियार्की है ना उसका इतना अंश तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन वो तो कितना गहरा है ना, मतलब कितना ज्यादा, मतलब मुझे लगता है उसको तो खोदते खोदते सदियां बीत जाने वाली है। वो खोदते रहना जरूरी है जी, खोदते रहना जरूरी है, वो खोदते रहना लगातार जरूरी है, और वो आप अपने अंदर लेके घूमते हो। मतलब मुझे याद है मैं अनुभव के ऑफिस में बैठ के अकेले फिल्म देख रहा था और मैं आया, मैं पूरा इतना रोया था, मैं बात ही नहीं किया, हम लोग ने बात ही नहीं की। मैंने कहा अभी मैं अभी बात नहीं करूँगा, घर पहुँच के आराम से दो ड्रिंक लेने के बाद फोन करूँगा जी। अनुभव जी before you say something, because I know you, what you and Tapsee will be saying will be directly answering a question, but I want to speak as an audience. I just like Anurag did, respond to the film. जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और आज जो फिल्म मैंने देखी है, पहला एहसास आपको ये होता है कि ये कहानी एक कॉन्वर्जेशन है जो आप, जो फिल्म मेकर हम सबके साथ करना चाहता है,
जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरू होना चाहिए, जो शुरुआत उसकी हो चुकी है जी, और आपने फिल्म देख ली जी, शुरुआत हो गई जी, और जितने भी लोग इस फिल्म को देखेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आदमी हो या औरत, बड़ा छोटा जो भी हो, उन सबके जहन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे एहसास। और जितने लोगों ने अब तक ये फिल्म देखी है उनके दिल में इतने एहसास जगे हैं कि हम खुद थोड़े से चौंक रहे हैं, और ये इतनी तारीफ खुद की करेंगे नहीं, तो मैंने इनके लिए कर दी। आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, एक ऐसा एहसास है जो हम सब के दिलों में जाग चुका है और जागता रहेगा, उम्मीद यही है। That's why this film is so important. अनुभव जी आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ालत। तापसी जी आप बताइए। Actually हमारा आंसर भी सिमिलर ही होता कि हमारा तो काम था चर्चा शुरू करना, आगे चेंज लाना आपके हाथ में। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। उधर उधर वो बहुत देर से उन्होंने हाथ उठा रखा है। हेलो हाय, मृमेला प्रश्न है माझा, मृमेला प्रश्न है माझा, फायनल स्क्रिप्ट लॉक करण्यापूर्वी कोणता असा सीन होता की जो ज्यावर सर्वात जास्त काम करावं लागलं किंवा जो शेवटी लिहिला गेला? म्हणा की ट्रान्सलेट द क्वेश्चन ऑल्सो इन व्हिच वाज द सीन अंटिल द स्क्रिप्ट गॉट लॉक्ड व्हिच वाज रीवर्क द मोस्ट व्हिच टुक द लॉन्गेस्ट टाइम टू राइट व्हिच वाज रीरिटन अ लॉट। हां जी, सो इट वाज डेफिनेटली अमृता एंड विक्रम एंड सीन, बिकॉज we didn't want to get till that point and then make the audience feel that we've copped out. It's like you build, मी मराठी सांगते की तो जो सीन होता तो खूप कठीण होता, कारण का त्या पॉइंट पर्यंत आम्ही एक नॅरेटिव्ह ठेवलेलो, आता त्याला त्याच्या चुकीचा त्याला समज होतो तो लांब गेल्यावर आणि ते तो सगळं सोडून येतो, तर त्याचं ते जे सोडून येणं होतं ते इमोशनल ब्लॅकमेल नाही वाटता कामा, ह्याची खूप काळजी घ्यायला लागली होती, त्यामुळे तो सीन खूप परत परत लिहिला। इनफॅक्ट इवन शूटिंगच्या दिवशी सुद्धा तो आम्ही लिहित होतो। सो वी डिडंट वॉन्ट दॅट ॲज अ कॉप आउट फॉर विक्रम्स कॅरेक्टर, वी डिडंट वॉन्ट हिम लिव्हिंग हिज वर्ल्ड द वन दॅट ही वॉज फायटिंग फॉर इन फॉर वॉट ऑल ऑफ दिस हॅपन्ड, we didn't want that as an emotional blackmail to be looked at as he now I have done this also at least forgive me now. We always wanted it as something that he realized and something that he realized within that this is what I want to do now on my own. So for me that scene was really important because this story doesn't get completed or doesn't get balanced until we at least project what is expected from the men. And that's also not falling into the trap, like bringing them back together. Yeah. He realizes his... And at the same time, you don't want to reject the institution of marriage because of one mistake. And so that was also a big concern that we had. Ki aisa nahi hona chahiye ki shaadi nahi kar sakte agar tumhare pati ne tumhare sath badtameezi ki hai to jao divorce file kar do. That should not... You had my character also to keep doing that, reminding everybody of that. I'm the only female character in the film who doesn't have a problem. Yeah, she's happy. That was Mrunmayee's thing, that she have a woman who doesn't need a man. Self-contained. So, वो भी कारण था, और वो जो था ना उसकी लाइन के जब मैं ब्लू डोर से अंदर जाता था तो अंदर घर तो था ही नहीं, घर तो तेरे से था. So, you know, him realizing which. I actually wanted people to leave the theater with feeling bad for him. I don't know if that is happening. I love him. Feeling bad for him, I love him. I love you. There's a... Can you please stand up? Yeah, sure. Hi, Mirmay, this is Priyanka from Indian Express. Absolutely love the film. And, you know, so much of... I mean, everything is about the difference between male and female gaze. Even this film would be interpreted differently by men, women. But I wanted to ask you, you and Anubhav have come out like with such a beautiful collaboration, but in the writing process, did you feel that there were some difference of opinion or arguments because essentially you were looking at a scene with a female?
happy you asked this question, because this male and female gaze conversation has started quite recently, and especially when a film talks about a woman as a protagonist, it comes up even more. We had a lot of arguments, but those weren't because of a difference of opinion. Those were about an aesthetic choice of how to do something. I think for me the learning was when he was handling Amrita's character on set, I was looking at Amrita in a certain way, which was my informed thinking of how this kind of a woman should be. And he had a really different, interesting view about her character. He saw her as someone who could possibly be flawed as well. And that was one of the biggest, contributions of a male gaze for creating Amrita as a very well-rounded character. I feel like whatever the gaze is, you know, for whichever subject it is, I think it's important for the female writer or male writer to be able to imagine it from both perspectives as much as possible. Because until then, you, be it a female protagonist or a male protagonist, I just feel like the character doesn't reach any completion with just one gaze. So yeah. Thank you so much. Hi Tapsee ma'am. Hi Tapsee ma'am. Hi. Movie is good, very good. Thank and you. My question is that what is your opinion that our society is male dominant society and how we can change it? What do you think that? ये आपने ना मुझसे वो वाला सवाल पूछा है जो मुझे इस पिक्चर नहीं मुझे अपनी वो दूसरी तीसरी पिक्चर से ही पूछे जा रहे हैं लोग मैं अपना काम कर रही हूँ ना आप अपना करना आके पैसे देके ऐसी टिकट खरीद के ये वाली पिक्चर देखना और सबको बोलना खरीदेंगे ताकि एटलीस्ट ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें लोग Okay, I'm doing my part, you do yours. That's all I can say in changing the male-dominated society. Thank you. Hi, Anubhav sir. This is Ravi from ABP News. Yeah, yeah. Your height. Sir, my name was very touching when Ratna Pathak Shah Kumud Mishra said that I could be a singer and I couldn't become a singer. So Kumud Mishra said that who had stopped him. वो सीन के बारे में कुछ बनाएंगे क्या वो आफ्टर वो भी एक आफ्टर थॉट था या पहले से उस तरह से उसे आप उनमें लिखा था उन्होंने आप भी बोल सकते हैं इसमें अगर आप दोनों बोलें दैट टेक्स मी बैक टू मुल्क सो सुधीर मिश्रा सुधीर भाई ही रीड्स ऑल माय स्क्रिप्ट्स सो मुल्क को पढ़ रहे थे अच्छी लग रही थी सब कुछ वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि यार शी इज टू गुड शी इज टू स्वीट शी इज टू स्वीट उनका रिश्ता एकदम बिल्कुल बहुत क्यूट है उनका और उसके हस्बैंड का तो कुछ करना उसमें कुछ करना तो फिर वो एक एंगल आया था कि वो सेपरेट होने वाले थे वो एक्चुअली आई ये बताने के लिए थी कि हम सेपरेट हो रहे हैं आई हैड द सेम फीलिंग दिस टाइम इवन विदाउट सुधीर भाई सेइंग दैट कि ये कपल जो है ना ये बहुत क्यूट है आइडियल कपल होता नहीं कोई तो मैं जो बहुत शुरू से परेशान था कि इनको कैसे खराब करूँ तो फिर मुझे मेरी एक कजन याद आई जो बचपन से गाना सीखती थी और प्रभाकर और प्रवीण होता है यूपी में कुछ यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक प्रवीण इज इक्वल टू एमए इन म्यूजिक उसने प्रवीण किया था और फिर उसकी शादी वादी हुई वो फिर सब छूट छाड़ गया तो अब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे दादा बोलती है हमारी तरफ बड़े भाई को दादा बोलते हैं तो दादा गाना गा के भेजती है मुझे वॉइस नोट और अब वो बेसुरी हो चुकी है और उसको पता नहीं है ये बात तो और उसको लगता है कि दादा तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में उससे गाना भी गवा सकता है या मेरी एक एल्बम बनवा सकता है और मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि तू बेसुरी हो गई है तो वो मुझे याद आई तो मुझे लगा वो करते हैं इस कैरेक्टर में वो इतना ट्रैजिक होता है जब यू नो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार एक वो वॉइस नोट आता है कि शायद अब दादा बोलेगा कि हाँ आ जा तू बॉम्बे आ जा गाना करते हैं अब उसमें ऑटो ट्यून करके मैं गाना एक्चुअली कर सकता हूँ उसके साथ बट वो अनदर लाय होगा उसके लिए आजकल ऑटो ट्यून में तो मतलब आधे ज्यादा सिंगर बेस हो रही है सॉरी तो वो किया जा सकता है लेकिन आप सोचो एक एक लड़की की पूरी यात्रा जो बचपन से जब वो गाती थी तो हम लोग सुनते थे शादियों में सगाइयों में अब वो सुर में नहीं है तो मेरा वो है